सो यो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज इस वीडियो में आपको RTX 4090 के यहाँ पे टॉप 5 यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो। नेक्स्ट लेवल गेमिंग होगी, अच्छी खासी रैम प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोग देखते रहना, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना कि जब भी सब्सक्राइब आपको मिल सके। इंस्टा को फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो बिल्कुल लास्ट देखते रहो, जी आपको टॉप 5 जो गेमिंग लैपटॉप देखने मिलने वाले वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपकी गेमिंग स्ट्रीम एडिटिंग सब करवा देंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने को टाइम वेस्ट कर चुके हैं, टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो भाई जैसे कि मैं आ चुका हूँ पीसी पे देख पा रहे, तो यहाँ पे मैं टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप ओपन करेंगे जो कि आपको RTX 4090 के साथ देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे पहले लैपटॉप की बात करते हैं तो वो आपको MSI का टाइटन देखने को मिलता है GT77, जिसमें इंटेल का 13 जनरेशन आपको देखने को मिलता है i9 के साथ। और यहाँ पे जो आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है वो NVIDIA का GeForce RTX 4090 16GB का आपको GDDR6 के साथ देखने को मिलता है। और जो आपको गेमिंग लैपटॉप देखने वाला है वो नेक्स्ट लेवल है, 4TB की आपको NVMe इसमें SSD देखने को मिलेगी। और जो आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस रहेगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा, इसमें आपको 8GB कीज भी देखने को मिलने वाले हैं। तो कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है गेमिंग लैपटॉप। आपकी जो गेमिंग होगी 4K में होगी, स्ट्रीमिंग गेमिंग एडिटिंग सब हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे सेकंड लैपटॉप की बात करते हैं तो वो ASUS का ROG आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको RTX 4090 देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी आपको i9 का 13 जनरेशन के साथ देखने को मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आपको। अच्छी खासी यहाँ पे आपकी गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग सब हो जाएगी, कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। और इसकी जो ASUS की ऐसी जितने भी आते हैं गेमिंग PCs, गेमिंग कंपोनेंट जितने भी आते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलते हैं। Wi-Fi 6E देखने को मिलने वाले का, टाइप सी की चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपकी हीटिंग की भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिलेगा सारे कंपोनेंट। और गेमिंग भी तो आपकी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होगी, 2TB की यहाँ पे आपको SSD यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने तीसरे लैपटॉप की, तो वो आपको देखने को मिलता है MSI का आपको रेडर देखने को मिल जाता है, जिसमें इंटेल के 13 जनरेशन आपको जेन आपको देखने को मिलेगा और i9 आपको प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। 2TB की SSD आपको देखने को मिलने वाली है, NVIDIA का GeForce RTX 4090 देखने को मिलेगा, GDDR6 के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो पूरा लुक इसका एक गेमिंग टाइप की तरह इसका रखा गया है, आपको इसमें फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगी 8GB स्ट्रिप, और यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड्स की कीज़ में भी 8GB देखने को मिलेगी। और बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलता है, पूरा गेमिंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं अपने फोर्थ अपने लैपटॉप की, तो वो आपको देखने को मिलता है रेजर का आपको देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको RTX का 4090 अपना ग्राफिक कार्ड इसमें देखने को मिलने वाला है, और इंटेल का i5 13 जनरेशन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। और बात करें इस गेमिंग की तो बहुत नेक्स्ट लेवल इसमें गेमिंग होती है, जैसे इसकी डिस्प्ले भी बहुत अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो अगर बात करें तो कोई भी दिक्कत आपको इसमें देखने को मिलेगी, आपकी गेमिंग स्ट्रीम एडिटिंग सब हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करें लास्ट लैपटॉप की, तो वो आपको देखने को मिलने वाला है ASUS का ROG Strike आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें RTX 4090 आपको इसमें देखने को मिलेगा। और बात करें तो इंटेल का i9 आपको 13 जनरेशन सब में देखने को मिले हैं, जितने मैंने आपको लैपटॉप बताए उन सब में आपको इंटेल का i9 आपको 13 जनरेशन का आपको देखने को मिलने वाला है प्रोसेसर। और यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको 2TB की PCIe आपको SSD देखने को मिलेगी, Wi-Fi 6 आपको देखने को मिलेगा, विंडोज 11 आपको सब में ही देखने को मिलेगी, जितने भी मैंने आपको लैपटॉप बताए उन सब में आपको विंडोज 11 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पूरा टोटली आपको गेमिंग में देखने को मिलता है इसमें नीचे अभी, और इसके आपको नीचे भी देखने को मिलेगा एक स्ट्राइप जो कि आपको RGB में देखने को मिलती है, और आपको डिस्प्ले के नीचे ही यहाँ पे ROG Strike देखने को मिलेगा लिखा हुआ। और बात करें तो इसमें भी आपको RGB देखने को मिल जाती है इसके कीज़ में, और बहुत नेक्स्ट वाले यहाँ पे आपको ये लुक प्रोवाइड कराता है, और इसका जो पीछे का आपको लोगो है वो भी यहाँ पे ROG का ग्लो करता है, और वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपकी लुक्स यहाँ पे प्रोवाइड ये करके आपको देता है। तो यही था यार, मैंने आपको टॉप 5 यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप बताया जो कि RTX के 4090 के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आपकी गेमिंग हो जाएगी, 4K में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रीमिंग एडिटिंग कोडिंग जो करना चाहते हो वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हो जाएगी। अब आप लोग बताना आप लोगों को इनमें से कौन सा अच्छा लगा लैपटॉप, मुझे में कमेंट करके आप लोग बता देना, और आपको ये वीडियो किसी भी जिसमें जब कमेंट करके बता देना। तो यही था आज की वीडियो में, फिर भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनसाइड टॉपिक के साथ। जल्दी टेक केयर एंड बाय बाय।